यार मैं तुझे कब से बुला रहा था यार। हाँ, क्या काम था? अरे काम नहीं, मतलब कुछ दिनों से तेरा बिहेवियर कुछ चेंज लग रहा था। क्या चेंज लग रहा था? ये कैसे बताऊँ यार। अच्छा ठीक है, चलो बाय। अरे नैना, मैं सिंपली कहना चाहता हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता मुझे, पर जस्ट द थिंग इज के तू खुश नहीं है। तुझे क्या फर्क पड़ता है मैं खुश रहूँ या ना रहूँ यार? यार इम्पोर्टेंट का मुझे नहीं पता, पर जो प्रेम की लाइफ में इम्पोर्टेंट है ना, वो खुश है या नहीं है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी नाते से कुछ अभी तो नहीं पता चलेगा, घर जाके सोचो। तो सही, अरे सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हम। इशिका, आई लव यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने टीम रोहन की रिहर्सल देख ली होगी, वैसे ही टीम आर्यन के लोग कम थे इसलिए ये गेम टाई हो चुकी है। तुझे क्या लगता है कौन होगा? मुझे क्या बता यार, ये तो अपना ही फ्रेंड निकला। क्या हुआ क्या? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। हुआ क्या? तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मना किया था क्या तुझे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम की बात क्या करता है?
या भाई, मैंने सुना बहुत कुछ हुआ है तेरे और रोहन के बीच। नहीं पता, इसीलिए मैं मेरे साथ किसी और को भी लेके आया। रोहन, अब तुम में से कोई बताएगा गलती किसकी थी? इसकी, तू ही आया था, तूने ही बोला था उसको मुझे ना बोलने। एक सेकंड, तूने उससे पूछा कि उसने ऐसा कहा कि नहीं कहा? कंफर्म था ये तुझसे लड़ने आया? तूने उससे वजह पूछी? एटलीस्ट पूछ तो सकता था। आर्यन ने हमारी दोस्ती का ही फायदा उठा के हमें एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, समझो। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तुम दोनों की गलती थी, एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया तुम दोनों ने। वन शेक हैंड्स, गुड बाय। एक बात तो बोलनी पड़ेगी, अपने दोनों इतने समझदार हो के भी इतनी बड़ी गलती की, और इसने इस बार समझदारी वाला काम किया। चल अभी ओवर एक्टिंग मत कर। क्या रोहन, ऐसे तो बड़ा स्टड बना फिरता है और अपने दिल की बात नहीं बोल सकता? क्या मतलब? मतलब वही जो तू समझ रहा है। मैं कुछ नहीं समझना चाहता यार, वैसे भी तू किसी और को लाइक करती है, और वो मैं जान के भी क्या करूंगा? तू जानता भी है मैं किसे पसंद करती? नहीं जानना चाहता यार। सुनना पड़ेगा। है एक डफर जो रात रात भर रिहर्सल्स करता है अपने दिल की बात बोलने के लिए, पर कुछ बोल नहीं पाता। मैसेजेस बहुत करता है पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अलावा और कुछ नहीं आता। टाइपिंग भी बहुत दिखाता है लेकिन हाय हेलो और कुछ भी नहीं आता। और पहली मीटिंग में इतना ब्लश करता है भला? अरे तेरी बात कर रही है रोहन की। अब ये मेरी वाली। पक्का? पक्का। हाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो। गाइस होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वायरल स्वैग टीवी को सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारी चीजें आने वाली इस चैनल पे, तो जस्ट फॉर टिल देन स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, कमेंट करिए आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और शेयर करिए आपके सारे दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करिए वायरल स्वैग टीवी को। Thank you.